नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। शिक्षा केंद्रों को किया गया सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, छात्र छात्राओं को 3 मीटर की दूरी पर बिठाया गया। पिछोर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शासकीय बालक हायर सेकेंडरी विद्यालय और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज कक्षा 12वीं के 129 छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें 2 छात्र अनुपस्थित रहे। लॉकडाउन के चलते पूर्व में स्थापित की गई हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं आज मंगलवार से प्रारंभ हुई, जिसमें सभी छात्र 1 घंटे पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, जहां मेन गेट पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर DCR और उनकी टीम द्वारा सभी छात्रों का हेल्थ स्क्रीन और जांच की गई। जांच के उपरांत ही सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया गया। इन छात्रों को हाथ धुलवाकर सैनिटाइजर भी उपयोग कराया गया। सभी छात्रों को मुंह पर मास्क लगवाए गए। इंसिडेंट कमांडर आनंद गोस्वामी ने दोनों परीक्षा केंद्रों पर जाकर निरीक्षण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। एग्जाम है तो उसमें आपकी क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है कि एक तो टाइम से थाने से पेपर को जो है विधिवत निकलवाने का है, और थाने से लेकर के सेंटर तक पहुंचवाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं पुलिस फोर्स से हम जो है पेपर निकालते हैं और CS या ACS के साथ में, और पेपर को सुरक्षित एग्जाम सेंटर तक पहुँचाने का। पिछले में कितने केंद्रों पर आपने पेपर पहुँचाए? 2 केंद्र हैं हमारे यहाँ, दोनों केंद्रों पर पेपर टाइम से पहुँचो। उनके लिए आपने क्या क्या एहतियात बरते? उनके लिए ऐसा किया कि हम लोग ये थर्मल स्क्रीनिंग मशीन लेके आए हैं और उनको हैंड सैनिटाइज करके उनको टेम्परेचर हम ले रहे हैं, और टेम्परेचर से लगभग सभी बच्चे अभी जिनको एंट्री कर रहे हैं वो सभी बच्चे नॉर्मल हैं, टेम्परेचर के बिल्कुल लिमिट में हैं। यदि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ निकलता है तो हम बच्चों को क्या कहते हैं पैरासिटामोल की गोली चलवा दें।